पूरे प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है और अब बारिश का मौसम भी आ चुका है। बारिश के इस मौसम में मौसमी बीमारी भी अपना असर दिखाने लगती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी और बढ़ने वाली है। लेकिन एक स्थान ऐसा भी है जहां केवल एक स्वास्थ्य कर्मी के भरोसे विगत एक वर्ष से उप स्वास्थ्य केंद्र संचालन किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं गरियाबंद जिले के छुरा विकास खंड के ग्राम रुआड़ की, जहां केवल एक पुरुष स्वास्थ्य कर्मी के भरोसे एक वर्ष से यह स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। यहां महिला स्वास्थ्य कर्मी नहीं होने के कारण डिलीवरी से संबंधित महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डिलीवरी कोई महिला स्वास्थ्य कर्मी नहीं होने से 5 किलोमीटर दूर रसेला जाना पड़ता है। वहीं पास में ही छात्राओं का छात्रावास है, जहां कक्षा 6 से 10वीं तक छात्राएं यहां निवास कर पढ़ाई करती हैं। वे भी अस्पताल पास में होते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं, जबकि 2 ग्राम पंचायत कुड़ेरा दादर और रुवाड़ दोनों पंचायत इसी उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आती हैं। इस लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते दोनों गाँव के करीब 3800 लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन समस्या को देखते हुए वहां के महिला सरपंच श्रीमती हुमन बाई नागेश द्वारा अति शीघ्र महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदस्थ करने की मांग की गई है। आप यहां से सरपंच हैं? जी। नाम क्या है? श्रीमती हुमन बाई नागेश। ये जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे क्या समस्या है अभी? यहां नर्स की समस्या है। नर्स की कमी है जी। तो इससे महिलाओं को चेकअप में दिक्कत होता होगा? जी, दिक्कत होती है महिलाओं को चेकअप में। तो यहाँ से जैसे किसी महिला का प्रसव का समय हो गया या कोई दिक्कत हो गया तो अभी यहाँ से कहाँ ले जाते हो उनको दिखाने, इलाज कराने? 5 किलोमीटर रसेला ले जाते हैं। रसेला या फिर वहाँ से रिफर करते हैं तो छुरा? छुरा ले जाते हैं। यहाँ पहले नर्स थी जी, तो लगभग पिछले 1.5 सालों से नहीं है। 1.5 साल से नहीं। उनका ट्रांसफर होने के बाद कोई नहीं आए हैं वहाँ पे? नहीं। जी, आपका नाम क्या है? विकी ठाकुर। यहाँ से आप उप सरपंच हैं? हाँ। ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रुआड़ है ना? हाँ। यहाँ पे क्या समस्या है अभी? यहाँ पे नर्स की कमी है। अच्छा, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, नर्स नहीं है? नहीं। पिछले कितने सालों से नहीं है? लगभग 1.5 सालों से नहीं है। 1.5 सालों से यहाँ जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है नहीं है? नहीं। समय में खुलता है हॉस्पिटल? और नहीं, जतिवेदी आकर करता अपना कार्य। अच्छा, वो पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता है यहाँ से ना?